Hello. Respected teachers, all the members, especially those who are involved in this project, and my dearest students, yoga is the object of physical fitness, mental health, and spiritual development. We all know. Fortunately, we have all gathered here to become a part of this project. First of all, we will watch a video clip from Ramayana. Madam, please start. Light off, please. सूर्य वंदना वैज्ञानिक भी है आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए, उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हो और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अजल चक्र को जागृत करती है। अजल चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना यह अभ्यास न किया जाए। जब ये शक्ति जागृत होती है
तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा। चक्र इज अ संस्कृत टर्म एंड इट मींस हुई, पहिया और डिस्क, एंड इज ड्राइव्ड फ्रॉम रूट वर्ड चक्रा। चक्रा आर स्पिनिंग व्हील्स ऑफ एनर्जी, यू कैन सी इट लाइट एनर्जी ऑल्सो। चक्रा हैव द रेस्पॉन्सिबिलिटी इन कॉर्पोरेटिंग द इमेंटिंग एनर्जी टू कीप अस फंक्शनिंग एट ऑप्टिमल लेवल्स। बेनिफिट्स ऑफ चक्रास, अभी हमने बात की थी कि हमारे शरीर में चक्र से क्या फायदे होते हैं, और एक एक करके हम उनके फायदे को भी देखेंगे, कैसे फिजिकल हेल्थ वेल बींग्स को इम्प्रूव करता है। इट इज बेनिफिशियल फॉर स्पिरिचुअल फिटनेस, इट रिमूव्स बैड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो बैड एनर्जी है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं और हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, हमारे मन को प्यूरिफाई करते हैं। अलाउ यू टू नो योर इनर सेल्फ, व्हाट यू आर। जो तुम्हारा शरीर दिख रहा है क्या वही तुम हो या कुछ और हो? आपको ये लगता होगा कि मेरा नाम ये है, मेरा शरीर ये है, वही मैं हूं। लेकिन जो योगिक कंसेप्ट है वो ऐसा नहीं है, हम कुछ और भी हैं जो समय समय पर बदलते जाते हैं। ट्रांसफॉर्म्स योर वीकनेस इंटू योर स्ट्रेंथ, हम कभी कमजोर हो जाते हैं और कभी अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं। ये सब चेंजिंग इसी के वजह से आते हैं, कौन से चक्र किस तरह से जागृत हो रही है। गिव्स एक्सेस टू फाइनेंशियल विजडम, आप कभी सत्संग में जाएंगे तो सुनेंगे कि हम जो अर्न करते हैं पैसे, अगर वो गलत तरीके से पैसा अर्न किया हुआ है, फाइनेंस की बात आई है, और उससे हम जो कुछ भी परचेज करके खाते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा होगा तन, ये इसका मतलब है कि अगर गलत तरीके से पैसे आ रहे हैं, उससे हम कुछ खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, और फिर हमारे जो संस्कार और चित्त बनते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे सोर्स से फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट करते हैं और उससे अन्न खाते हैं, उससे जो हमारा मन बनता है, उससे हम हमारा विजडम इनरिच्ड होता है, ये मतलब है इसका। इन स्पिरिंग यू टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, हम लोग भ्रम में जीते हैं, मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम जैसी दुनिया देखते हैं सोचते हैं ऐसा है, बट ऐसा नहीं है। अंधेरे में अगर हम रस्सी को देखते हैं तो हमें लगता है ये सांप है, लेकिन वो सांप नहीं होता है, वो रस्सी ही होती है। उसी तरह से जो दुनिया आप देख रहे हो वो भ्रम है एक तरह से, या फिर कुछ हमारे बच्चे जो यंगर्स हैं, ये सारे कल्पना लोक में जीते हैं। उसको लगता है कि ऐसे ही जैसे पापा कमा के ला रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ ऐसा ही सब दिन होगा, और नई नई कल्पनाएं करते हैं। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं होती है, रियलिटी कुछ और होती है। जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तब आपको वो जो कल्पना में आपने दुनिया देखी थी वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। सो इंस्पायरिंग यू टू टर्न ड्रीम्स इनटू रियलिटी, कल्पना लोक से निकल के रियलिटी में आओ। जब आप नौकरी ढूंढने जाओगे, जब आपको फाइनेंस की जरूरत होगी और पेरेंटल हेल्प मिलना बंद हो जाएगा, तब जो आपने सपना देखा था, ये काल्पनिक सपना से बाहर आओ कि ऐसा ही दुनिया है, ऐसे ही स्कूल, ऐसे टीचर, ऐसे
एनवायरनमेंट हर जगह मिलेंगे। जैसे आप स्कूल से निकल के कॉलेज में जाते हो बदलता जाएगा, वैसे ही आपके लाइफ के स्टेप टू स्टेप सब कुछ बदला हुआ नजर आएगा। फिर आप फ्रस्ट्रेट होगे, क्या सोचा था हमने, क्या कल्पना देखी थी और क्या हुआ। सो कम इन रियलिटी गिव्स यू इंट्यूशन, अलाउ यू टू एक्सप्रेस द रिलीजियस इमोशंस इन अ हेल्दी मैनर। अपने इमोशंस को हेल्दी वे में ले जाओ। फर्स्ट चक्र, ये आप सभी चक्रों के नाम नोट कर लीजिए मन में, कीप इट इन योर माइंड। देयर आर सेवन चक्रास, यू हैव सीन इन द रामायण क्लिप। रूट चक्र मूलाधार, एट द लास्ट इट इज फर्स्ट चक्र, एंड देन स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र एंड सहस्रार चक्र। दीज सेवन चक्रास आर इन आर बॉडी। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और इसमें बहुत सारे नर्व्स होते हैं जो हमारे वर्टीब्राज में निकल के आते हैं, जिसको मेडुला कहते हैं। पोन्स के बाद मेडुला, और मेडुला से नीचे आते हैं और वो नर्व्स CNS, PNS, ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक ऑटो नर्वस सिस्टम। दीज थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारी बॉडी में डिवाइड होते जाते हैं। और फिर जैसे ही हम किसी चीज को हाथ लगाते हैं ठंडा गर्म, तो हमारे ब्रेन को रिस्पॉन्ड करता है। तो ये सारे के सारे चक्रास जहां जहां नर्व्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पर स्विच बोर्ड की तरह है, और ये काल्पनिक है। जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है उस तरह से। नेक्स्ट, फर्स्ट चक्र इज मूलाधार चक्र, यू कैन से इट रूट चक्र ऑल्सो। मूलाधार इज द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी। मैंने आपको बताया था अभी कि जो कॉस्मिक एनर्जीज आती है वो हमारे बॉडी में ऑर्गेन्स है मूलाधार, वहां पे एनर्जी जनरेट होती है। इट गिव्स एनर्जी आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को एनर्जाइज करती है। द मूलाधार चक्र हैज फोर पेटल्स। नेक्स्ट, इसके पेटल्स को देखिए, हम क्वेश्चन में पूछेंगे भी हाउ मेनी पेटल्स आर देयर। कलर इज रेड, एलिमेंट अर्थ। ये पूरी दुनिया और हमारा शरीर फाइव बेसिक एलिमेंट से बना है, और ये एलिमेंट हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। इन फाइव एलिमेंट से हमारी बॉडी भी बनी है, ये पूरी प्रकृति बनी है, पूरा संसार बना है। और इन एक में भी अगर कमी आ जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, तो हम बीमार होने लगते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं अर्थ, मूलाधार चक्र के, इससे हमारा अर्थ का पावर बढ़ता है। ऑर्गेन्स रिलेटेड बोन्स, इट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ स्पाइन, जो हमारी वर्टिब्राज है 33, और लास्ट वर्टिब्रा है, वो लास्ट वर्टिब्रा के पास ये लोकेटेड है। नंबर ऑफ पेटल्स आपने देख लिया, फोर है। फोर पेटल्स के भी मीनिंग है, बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने कट किया है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये जो चार पेटल्स थे इसका ये था। मन कितनी पावरफुल है आपने वीडियो में देख लिया, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीज हमारी पूरे लाइफ को, हमारे बिहेव को, हमारे टॉकिंग को, हमारी थिंकिंग को हर जगह
प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। ऑफ सेकेंड चक्र, सेकेंड चक्र स्वाधिष्ठान चक्र, आप इसको रीड करिए। स्वाधिष्ठान चक्र ठीक मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर है, जो हमारा लंबर रीजन होते हैं, लंबर वन, लंबर टू, एल टू थ्री फोर फाइव, उसमें फिफ्थ के पास लगभग ये होता है स्वाधिष्ठान चक्र। और इसके कलर होते हैं येलो, जबकि इसके पेटल्स थोड़ा थोड़ा व्हाइट होते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र इज इलस्ट्रेटेड एज व्हाइट लोटस बट ऑरेंज इन कलर। स्वाधिष्ठान इज एसोसिएटेड विद द अनकॉन्शियस एंड विद इमोशंस, इमोशंस की बात हमने की है। दिस चक्र इज ब्लैक बाय फियर, स्पेशली द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर हम सभी को होता है, मरने से बचना चाहते हैं। अगर हम इस चक्र को स्टिमुलेट करते हैं तो फिर मृत्यु का डर नहीं रहता है, और भी कई तरह के डर हमारे मन से निकल जाता है और हम निडर हो जाते हैं। कलर्स, नेक्स्ट कलर इज ऑरेंज। लोकेशन, लोकेशन इज लोअर बेली, नेवल रीजन के थोड़ा नीचे। एलिमेंट इज वाटर। ऑर्गेन्स एसोसिएटेड विथ इट इज किडनी। सिस्टम एसोसिएटेड मस्कुलर। साउंड इसके बीच में देखो, बीज मंत्र होता है, उसको वंग कहते हैं। एंड नंबर ऑफ पेटल्स आर सिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र इज शोन एज हैविंग टेन पेटल्स। इसमें देखिए टेन पेटल्स हैं। द सीड साउंड इज इन सेंटर, रंग रंग लिखा हुआ है। द तत्व फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फायर एज अ ट्राइंगल। इसके कलर येलो होते हैं, यू कैन सी। नेवल रीजन में स्टमक के पास लोकेटेड होते हैं। एलिमेंट इज फायर। फंक्शन इज डाइजेशन। आर डाइजेशन इज टोटली डिपेंड ऑन दिस चक्र। एंड ऑर्गेन्स एसोसिएटेड पेनक्रियास, लीवर, इंटेस्टाइन। सिस्टम एसोसिएटेड डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड साउंड यू कैन सी रन। एंड नंबर ऑफ पेटल्स आर 10। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अनाहत चक्र, मीन्स साउंड प्रोड्यूस विदाउट टचिंग टू पार्ट्स। जब भी हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं तो या तो टू थिंग्स को घर्षण करते हैं, टच करते हैं, या फिर एक दूसरे पर उसको हिट करते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। बट अनाहत के जो साउंड है, ये साउंड विदाउट टचिंग निकलता है, और ये साउंड सन के साउंड भी है। वैज्ञानिकों ने नासा में जो ऑब्जर्व किया, उसने बताया है कि एक अलग तरह की साउंड हमेशा कंटिन्यू निकलती रहती है सन से, यूनिवर्स से, जो इंडिया में ओम जैसा कुछ कुछ मिलता है, मैच करता है, ये नासा कहते हैं। और हमारे शास्त्रों में इसको कहते हैं अनहद नाद। जब कुछ भी नहीं होता, कंप्लीटली साइलेंस होती है, तब एक तरह की आवाज निकलती है और उसको अनहद नाद कहते हैं, जिसको मेडिटेशन में सुनने का प्रयास योगी लोग करते हैं। और हम इतने मेंटली, फिजिकली, एनवायरमेंटली पॉल्यूटेड और डिस्टर्ब होते हैं कि हमें वो साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। बहुत प्रयास करने के बाद, अभ्यास करने के बाद वो अनहद नाद हमें सुनाई देती है। सो दिस इज अनाहत चक्र, मीन्स प्योर, क्लीन। नेक्स्ट, सी कलर, कलर इज ग्रीन। लोकेशन हार्ट। एलिमेंट इज एयर। फंक्शन लव, विजडम एंड पेशेंस।
हमारे बच्चों में पेशेंस नहीं है और विजडम भी खत्म होते जा रहे हैं। और ये हमारे बच्चे की बात नहीं है, ये संपूर्ण मानवता की बात है। सो जब इन चक्रों को हम एनर्जाइज करते हैं तो हमारे अंदर पेशेंस आती है। सिस्टम एसोसिएटेड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड साउंड इज यंग, नंबर ऑफ पेटल्स आर 12, यू कैन सी। नेक्स्ट इज विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र इज नोन एज द प्यूरिफिकेशन सेंटर। द सक्सेस एंड फेलर इन वन्स लाइफ आर सेड टू डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ दिस चक्र, वेदर इट इज पॉल्यूटेड और क्लीन। दिस चक्र ब्रिंग पावर्स, फ्रीडम फ्रॉम डिजीजेस। जितने भी मैंने आपको बताया था नर्व्स ब्रेन से निकल के बॉडी की तरफ आते हैं तो हमारे थ्रॉट रीजन में होते हैं, और यहीं पे विशुद्धि चक्र है, यहीं से प्यूरिफिकेशन होती है, फिल्टर्ड होते हैं और फिर अंदर की ओर जाती है। चाहे हम सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो, या जो हम फूड खाते हैं उसमें अगर कोई पॉइजनस चीज है तो हमारी बॉडी उसको हीट करती है, उसके जर्म्स को मार करके खत्म करती है। साइंटिफिकली अगर हम करें तो चक्र 5, कलर इज स्काई ब्लू, लोकेशन थ्रॉट रीजन, एलिमेंट्स साउंड, फंक्शन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेस आवर इमोशंस आवर थॉट्स, ऑर्गेन्स एसोसिएटेड विथ थ्रॉट, ईयर नोज एंड थायराइड ग्लैंड्स, टंग ऑल्सो, सिस्टम एसोसिएटेड थायराइड ग्लैंड्स एंड पाराथायराइड ग्लैंड्स विच इज इन आवर थ्रॉट रीजन। साउंड इज हंग एंड नंबर ऑफ पेटल्स आर 16। नेक्स्ट इज आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र इज द 6th प्राइमरी चक्र इन आवर बॉडी। इट इज रिस्पॉन्सिवली अपार्ट टू द ब्रेन विच कैन बी मेड मोर पावरफुल थ्रू मेडिटेशन। मैंने आपको ब्रेन की बात की है कि किस तरह से हमारे ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को कोऑर्डिनेट करती है। ये आज्ञा चक्र से रिलेटेड है, इसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। आपने सुना होगा, इंटरनेट में बहुत पॉपुलर है तीसरी आंख, थर्ड आई चक्र। इट इज कॉल्ड थर्ड आई चक्र ऑल्सो, आज्ञा चक्र। आपके ब्रेन में पीनियल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स से थोड़ा नीचे, और वो पीनियल ग्लैंड्स हमारे जितनी भी मेमोरी पावर्स है या हम जो कुछ भी सोचते हैं करते हैं उसको स्टोर करके रखती है। और वो हमें जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें दिखाई देती है, अपने बारे में जानने लगते हैं, इसलिए इसको थर्ड आई कहते हैं। मेडिटेशन करते हैं तो हम अपने माइंड को यहीं पे कंसंट्रेट करते हैं। आप जैसे आईज को क्लोज करोगे आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, जैसे मॉनिटर के टेलीविजन के वो होते हैं और उस पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो ब्लैक स्क्रीन हट जाएगा, फिर वो कलरफुल होता जाएगा बीबीग्योर, और फिर उसमें बहुत सारे फिगर्स भी बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके संस्कार कैसे हैं और फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, क्या करने वाले हो, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देगी आपके फॉरहेड के पास। सो यू कैन सी द कलर, कलर इज इंडिगो, लोकेशन इज ऑन योर फोरहेड जहां बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। एलिमेंट इज थॉट, हम क्या सोचते हैं। फंक्शन विजुअलाइजेशन, आप कई बार आंखें बंद करके जो जो पढ़ाई किए हो उसको याद करते हो, मेमोराइज करते हो, ये इसी चक्र से संभव है। कंसंट्रेशन, यहीं पे हम माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो हमें कंप्लीट कंसंट्रेशन होती है, मेडिटेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेन्स एसोसिएटेड ब्रेन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स,
Sound is Om. And there are two petals here. You can see. Next and last chakra, Sahasrara chakra. Sahasrara chakra, 1,000 or uncountable petals are there. It is said to be most subtle chakra in the system. In Sahasrara chakra, there exists an important power, Medha Shakti. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा हमें मेधावी बना दो. मेधयाग्नि मेधाविनम करो. ये मेधा शक्ति हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से कोरिलेटेड है. इसके कलर इज वायलेट कलर. लोकेशन टॉप ऑफ योर हेड. Element is light and function bliss. हम आशीर्वाद देते हैं. इन इनविजिबल रेज हमारे हाथ से निकल के आपके यही ब्रेन पर जाता है. अगर हम हृदय से खुश होकर के हाथ ऐसे करते हैं तो एक रेज जो विजिबिलिटी नहीं है उसमें, बट इट इफेक्ट योर ब्रेन. आपको अच्छा लगता है, यू विल फील बेटर. तो इसलिए इसको इसका फंक्शन ब्लिस है. और ईश्वर जो आशीर्वाद देते हैं वो भी हमारे ऊपर ब्रेन पर, हेड पर, टॉप ऑफ द हेड मिलता है. ऑर्गन्स एसोसिएटेड ब्रेन एंड पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगेन. सिस्टम एसोसिएटेड विथ नर्व्स, नर्वस सिस्टम. एंड साउंड इज साइलेंस. साइलेंस, आप लोग लोटस टेम्पल में गए होंगे, वहां साइलेंस के बारे में बताने की कोशिश किया है प्रैक्टिकली कि साइलेंस का हमारे लाइफ में कितनी आवश्यकता है. ये जो फास्ट करते हैं वो भी फॉर्म ऑफ साइलेंस है. हमारी बॉडी में जैसे ही गैप स्पेस कम हो जाता है, अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो हम बीमार होने लगते हैं, क्योंकि गैप नहीं बचा, सांस भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं पी सकते हैं. उसी तरह से जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तब भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि गैप नहीं है, स्पेस नहीं है. सो साइलेंस, साइलेंस मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं. कभी कभी अपने जीवन में कुछ मिनटों के लिए साइलेंस होकर के एकांत में बैठो एंड फील द पावर ऑफ साइलेंस. आपको खुद पता चल जाएगा प्रैक्टिकली. नंबर ऑफ पेटल्स 1,000 कहते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ड मीनिंग, बट इट इज अनकाउंटेबल, काउंटलेस. सो यू हैव सीन 7 चक्रास इन आवर बॉडी. फर्स्ट मूलाधार चक्र हमारे बैकबोन वर्टिब्रा के सबसे लास्ट में होते हैं और बुढ़ापे में वहीं पे हड्डी ज्यादा टूट जाती है. उससे ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, नेवल रीजन से नीचे बैली के पास. उससे ऊपर मणिपुर चक्र होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पावर्ड करता है, उसमें एनर्जी भरता है. और उससे ऊपर होता है अनाहत चक्र जो हमारे हृदय में होता है, इसको हार्ट चक्र भी कहते हैं. उससे ऊपर होता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र. जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं, परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर ऐसे मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, इसलिए उसका नाम है विशुद्धि चक्र. देन आज्ञा चक्र, जहां हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दोनों ब्रू के बीच में, आईब्रो के बीच में. और फिर सबसे ऊपर जहां न्यू बोर्न बेबी का खाली खाली जगह होता है वो है सहस्रार चक्र, जहां आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, पीनियल ग्लैंड्स उसके नीचे होते हैं, थैलमस हाइपोथैलमस होते हैं. और इस तरह से योगिक टर्म में जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे ऊपर आती है, हमारे बॉडी में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, चैनलाइज होते हैं, ये अभी हमने अब हम सब ने इन सबको देखा. अब नेक्स्ट राउंड क्विज राउंड. हाथी सामने